हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों से शेयर करूंगा, किसी भाई ने मेरे को कमेंट किया था तो कितना एक वेबसाइट के लिए कितना बैकलिंक बनाना चाहिए, इसके बारे में मैं आज बताऊंगा। तो बताने से पहले हमेशा बोलते हैं, मेरे चैनल में जो नया सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस करना, क्यों इसके बारे में मैं आपको आज आपका दिमाग से निकल जाएगा, ये चीज़ कितना बैकलिंक्स बनाना है या नहीं बनाना है, पूरे ए टू जेड क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज कोई और वीडियो बनाने वाला था, इमेज रैंकिंग क्या होता है और इमेज रैंकिंग कैसे काम करता है, लेकिन मैं आज एक कमेंट आया तो इसी वजह से मैं इस वीडियो बनाने वाला था एक दो दिन में, लेकिन आज बना रहा हूँ। तो फ्रेश कंटेंट है आपको, अगर वेबसाइट बना रहे हो आप, उसमें आर्टिकल्स डाल रहे हो और वो रैंकिंग हो नहीं हो रहे, तो आप सोच रहे हो क्यों नहीं हो रहे, मैं शायद मेरे को बैकलिंक बनाना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं है, आप बिना बैकलिंक का भी आप गूगल में रैंक करा सकते हो। आपका जो आर्टिकल है ना, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, जो पढ़ा है उसको समझना चाहिए। अब जिस टॉपिक पे लिख रहे हो उस बंदे को क्लियर चीज़ सामने रखना पड़ेगा, तब जाकर रैंकिंग करेगा, ऐसे नहीं रैंकिंग होगा। आपको बैकलिंक का ज़रूरत नहीं। अभी मैं गूगल को एक चीज़ देता हूँ, मैं गूगल में सर्च किया गूगल फ्रेश कॉन्टेंट एल्गोरिदम, तो इसमें मेरे को कोई भी एक, मैं आर्टिकल्स ले लेता हूँ, आर्टिकल से समझने में सही रहेगा कि गूगल बहुत बड़ा चढ़ा कर लिख देता है। अभी जो भी ये फैट रैंक जो भी एक वेबसाइट है, इस बंदे ने इसमें जो लिखा है उसके बारे में मैं बताता हूँ। फ्रेश कंटेंट में से इसकी जो टाइटल है, मतलब जो H1 टैग है, मतलब उसी से बता दूंगा आपको। देखो इसमें बताया गूगल जो फ्रेश एल्गोरिदम है, इसमें ये नहीं बताया आपको बैकलिंक बनाना है, आपको बनाना है फ्रेश कंटेंट। फ्रेश मतलब कोई चीज़ के ऊपर बता रहे हो ना, उसको आप सही से लिखो, और एक बंदे से उसको, आपका दोस्त हो, आपका कोई पढ़ा लिखा कोई टीचर है, उसके एक बार आप पढ़ाओ, ठीक है। अगर ऐसे 10 बार आप करोगे तो आपका गलती आपको पकड़ में आ जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा मैं क्या गलती कर रहा हूँ, उस बंदे क्या समझ में आया हो पढ़ के, ठीक है। तो अगर 10 बार करेगा तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा, फिर किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। एक हो गया फ्रेश कॉन्टेंट। अभी इसमें कुछ चीज़ है, वेबसाइट अपडेट रेगुलरली आ रहे, री ऑडिट मतलब आपको अपडेट रोज़ करना पड़ेगा, रोज़ मतलब वो वर्डप्रेस अपडेट नहीं, आपको रोज़ आर्टिकल डालना पड़ेगा, रोज़ कोई टॉपिक के आपको आर्टिकल डालना पड़ेगा। आपका जो नीच है, आपका जो वेबसाइट है, आप कोई भी वेबसाइट बना लिया तो उसी हिसाब से जो भी आर्टिकल सब डाल रहे हो ना, वो फ्रेश कंटेंट होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए, मतलब पार्ट एक होना चाहिए। एक हो गया चीज़। अभी इसमें और क्या, अपडेटिंग वेबसाइट कॉन्टेंट, अपडेट मतलब जो अपडेट कंटेंट करना, ये होता है जैसे आप कोई आर्टिकल्स लिख रहे हो और नया अपडेट, जैसे अभी का ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, जो गूगल में बंदा क्या सर्च कर रहा है ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, अगर जैसे आप टेक्निकल रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाया और उस ट्रेंडिंग टॉपिक में क्या चल रहा है, बंदा क्या सर्च कर रहा है, क्या फाइंड कर रहा है, गूगल का कुछ सर्च कर रहा है, कुछ सर्च कर रहा है, उसी ट्रेंडिंग टॉपिक का आपको आर्टिकल डालना है। अभी रोज़ जो रोज़ डालना है आपको, क्या अभी फ्रेश कॉन्टेंट डालना है, ठीक है, रोज़ डालना पड़ेगा। अच्छा ये भी तो समझ में आ गया। अभी फ्रेश रैंकिंग फैक्टर वही है की बात है, अभी फ्रेश रैंकिंग फैक्टर में इसमें कुछ बताया, रेगुलर रेगुलर ऑकरिंग इवेंट्स, इवेंट्स ये समझना थोड़ा, दिस एनी इवेंट दैट टेक्स प्लेस ऑन द रेगुलर बेसिस, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग ड्रॉ द चैंपियन लीग जनरल इलेक्शन, मैं वही बताया जो ट्रेंडिंग टॉपिक में उसके बारे में लिख लो। अगर अगर गूगल ट्रेंड्स में जाओगे, अब टेक्निकल मार्केटिंग है, वेट लॉस है, कोई भी हेल्थ हेल्थ रिलेटेड आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पता चल जाएगा, उसी हिसाब से आपको कीवर्ड फाइंड करके आर्टिकल लिखना है और फ्रेश करके लिखना है जो बंदे को समझ में आए, ठीक। फ्रीक्वेंटली अपडेट मतलब फ्रीक्वेंटली अपडेट आपको रोज आर्टिकल डालना पड़ेगा, और ये हॉट एंड टॉपिक रिसेंट इवेंट, जो हॉट टॉपिक है, जैसे आपको कोई न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ वेबसाइट है, तो आपको क्या डालना पड़ेगा, न्यूज़ क्या होता है आप हमेशा अपडेट होता है, या आप कोई अमेजोन का एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो उसमें क्या है, जो प्रोडक्ट नया लॉन्च किया, जो बंदा जैसे अगर 5G चालू हो गया इंडिया में, 5G चालू, उसके बारे में एक आर्टिकल लिखो, तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया, इसके बारे में लिखो, फ्रेश कंटेंट होना चाहिए, ठीक। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक जीरो बैकलिंक भी होना जरूरी है, आपको आर्टिकल रैंक कर जाएगा। अगर आप कॉम्पिटिटर से, जो कंप्यूटर जैसे जिस बंदे का DAPA बहुत है, जिस बंदे का अगर वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं उसके ऊपर, तो आपका नया वेबसाइट वो रैंक नहीं करेगा, लेकिन उस वही आर्टिकल्स आप फ्रेश करके लिखोगे, बंदा यूज़र फ्रेंडली होगा, वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और अगर थोड़ा शुरू में आपको लो कंपटीशन की वर्ड आपको फाइंड करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो रैंक करेगा। अच्छा इसमें और कुछ बताए, मैं इसमें भी बता देता हूँ। अच्छा री ऑप्टिमाइज कॉन्टेंट ओल्ड आर्टिकल्स, अच्छा इसमें क्या है, आपको
धीरे धीरे जो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा आपको कोई भी आर्टिकल्स को री ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। इसमें देखा है बाय री ऑप्टिमाइज कॉन्टेंट ओल्ड आर्टिकल्स यू कैन ब्रिंग देम बैक टू लाइफ वेरी इजिली एंड सेव योर सेल्फ लॉट ऑफ ट्रेवल क्रिएटिंग न्यू कॉन्टेंट। ठीक है, न्यू मतलब नया जो कंटेंट करने में, जैसे कोई भी नया कंटेंट आप कर रहे हो तो उसको करने में थोड़ा बहुत तुमको तो परेशानी होगा, धीरे धीरे ये चीज़ ठीक हो जाएगा। और आपको और एक चीज़ बता देता हूँ इसमें, जैसे आप कोई आर्टिकल्स लिखा और उसकी बेसिस पे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखा, एसईओ के बारे में आप हजारों आर्टिकल्स लिख सकते हो, सारे को आपको लिंक इन मतलब जो मैंने एक इसमें पहले भी बोला, आपको इंटरनल लिंक करना पड़ेगा। एक आर्टिकल्स के साथ एक आर्टिकल का लिंक होना बहुत ज़रूरी है, लिंक होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल्स को लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेश कंटेंट एसईओ वो तो पता है, और आपका वेबसाइट की स्पीड ठीक होना चाहिए, आपका थीम ठीक होना चाहिए, और आपका जो लुक है वेबसाइट का ये नॉर्मल भी चलेगा। ठीक है, और वेबसाइट का स्पीड सबसे बेस्ट होता है यार, गूगल का जो गूगल सर्च कंसोल में डालना, ये साइट मैप क्रिएट करना, टीएक्स रिपोर्ट वगैरह सब कुछ, और सारी चीज़ मतलब ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ परफेक्ट होना चाहिए, और मेन चीज़ ये होना चाहिए बैकलिंक का ज़रूरत नहीं पड़ता। हाँ, आपका कंटेंट अगर थोड़ा बहुत जैसे आप उसी हिसाब से नहीं लिख पा रहे हो, कुछ बैकलिंक बना लोगे थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है, यही और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज का यही वीडियो था मेरे को, किसी को और कोई जानकारी तो कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊंगा। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट बता, मैं और एक भी बताता, यूज़ कीवर्ड फ्रेज यूज़ करना, जो आप एसईओ अगर करते हो तो योस्ट एसईओ प्लगइन में आपको ये चीज़ पता लग गया होगा, कीवर्ड डेंसिटी समझ में आता है आपको, आप कितने बार उसको यूज़ कर रहे हो। जैसे आप कोई कीवर्ड के सर्च कर रहे हो, आपको 5 times बता रहे हैं, आप उसको 10 times ज़्यादा दे रहे हो, तो वो कीवर्ड स्टैम्पिंग हो जाएगा, वो भी नहीं करना है आपको। फिर नेम ऑफ योर पेज सही से होना चाहिए, और लिंक एंड इम्पोर्टेंट लिंक एंड लिंकिंग आउट टू अथॉरिटी पेज। ठीक है, इसमें लिंकिंग के बारे में बताया हो, और इसमें मेक योर डिज़ाइन एक्सेसिबल द साइट टू लॉन्ग द लोड बिकॉज बस ट्रेन रहा है। ठीक है, तो यही चीज़, ज़्यादा कुछ इतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कोई भी आर्टिकल्स पढ़ लो, इसको अगर आपको इंग्लिश क्लियर नहीं आता तो आप इसको गूगल ट्रांसलेटर में डाल के, आप हिंदी है जो भी लैंग्वेज है आप उसमें लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ के एक बार जान लो फ्रेश कंटेंट क्या है, गूगल का फ्रेश कंटेंट। तो आज के लिए इतना है, मैं नेक्स्ट वीडियो शायद बनाऊंगा, गूगल जो इमेज रैंकिंग हो जाता है उसमें क्या फ़ायदा मिलता है, अपने वेबसाइट को कैसे ट्रैफिक आता है। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।